आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आप बुंदेलखंड का नाम रोशन करने के लिए कॉमेडी बनाते हैं। हाँ तो ये बताइए कि आज से कुछ दिनों पहले आपने एक कॉमेडी निकाली थी बिल्कुल। जिसका टाइटल था भौजी को चूलो। तो आप भौजी के चूल्हे से किस प्रकार बुंदेलखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं? अंदर जाकर देखो तो कुछ सीख भी के लाना मिले। अरे नहीं, हमारी समझ में ये नहीं आता कि भौजी के चूल्हे से लोग क्या सीखेंगे। क्या आपने सेटिंग वगैरह या किसी के साथ आपके अवैध संबंध तो नहीं है? लगभग 50-60 लड़कियों के साथ में। और भौजी की कुइया से क्या संदेश देना चाहता अच्छा आप? हाँ, तो उसकी मतलब जो कुइया है वो सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेली महिमा। गाइस, आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के कॉमेडी कलाकार सुनील देवराज, जो कि आप लोग देख सकते हो। इनसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए। तो आज अपन सुनील देवराज जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। जो सुनील देवराज आप लोग देख सकते हो, ये बुंदेलखंडी कॉमेडी बनाते हैं, और इन्हीं जो बुंदेलखंडी कॉमेडी बनाते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा बुंदेलखंड जगह जगह पर प्रसिद्ध हो रहा है। हमारे बुंदेलखंड की महिमा काफी ज्यादा बढ़ रही है, और उसका मेन कारण ये है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो अपने बुंदेलखंड को जान रही है, पहचान रही है, और बुंदेलखंड का नाम रोशन करने में आगे जितना जिस पर बन रहा है उतनी मेहनत करके बुंदेलखंड का नाम रोशन आगे करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो देखिए, हमारे साथ बुंदेली कॉमेडी कलाकार सुनील देवराज हैं। तो देखिए, सुनील देवराज तो इनका कॉमेडी में नाम है। तो भैया, सबसे पहले तो जय सियाराम, जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। तो सुनील देवराज जी, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। अभी तक लोग आपको सुनील देवराज के नाम से जानते हैं, कई लोग ये नहीं जानते हैं कि सुनील देवराज का पूरा नाम क्या है। अच्छा हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सभी लोगों का, और सबसे पहले अपने रवि भैया का स्वागत करते हैं, और बुंदेली धन्यवाद धन्यवाद। बुंदेली महिमा का स्वागत करते हैं। तो भैया, नाम है अपनो पूरा पूरा सुनील राजपूत। वैसे कहा होगा कि पहले दो दो नाम चलत थे, सुनील भी और देवराज भी, तो दो ही नाम चला चलत। और अब वैसे चैनल खोल लें तो अब सुनील राजपूत के नाम से तो खोल नहीं सकते। कहे कि ऊके नाम से खोले से एक दिक्कत जाती कि बहुत सारे चैनल खुल जाते हुए, तो उस वजह से दोनों नामों को मिक्स करके चैनल खोलो। अच्छा, क्या है कि जैसे सुनील और राजपूत, सुनील आप लोगों ने देखा होगा कि जो जब नाम रखते हैं तो पता लगता है कि एक ही गांव में सुनील नाम के कई सारे लड़के मिल जाते हैं, और उसी में देखिए जो राजपूत है तो राजपूत समाज में भी कई सारे लड़के मिल जाते हैं। उस प्रकार से सुनील देवराज, मतलब सुनील राजपूत नाम इन्होंने चैनल का रखना उचित नहीं समझा, और सुनील देवराज इन्हें अपने चैनल का नाम रखा। जी बिल्कुल। तो देवराज भाई, सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए। क्या है कि जो आपकी कॉमेडी देखते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन उन्हें आपका एड्रेस पता नहीं है, आपसे संपर्क करने का कोई माध्यम नहीं है, इस कारण से वो लोग ना ही आपसे संपर्क कर पाते हैं ना ही आपसे मिल पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना एड्रेस बताइए कि यदि कोई आपसे मिलना चाहे तो आप कहाँ पर, अपने गाँव का परिचय दीजिए, यहाँ पर कैसे पहुँच सकता है। बिल्कुल। तो सब जन के लाने भैया हरो बता देवे, हम एक छोटे से गांव से हैं जो कि ग्राम राजापुर पटपुरा, गांव को नाम है राजापुर, पंचायत है और तहसील बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर और एमपी। ये आपके गांव का एड्रेस हो गया। यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट छतरपुर होना चाहिए पता, और यदि आप डिस्ट्रिक्ट छतरपुर के ही रहने वाले हैं तो आपको छतरपुर अच्छे तरीके से जानते होंगे। छतरपुर में बड़ा मलहरा है, बड़ा मलहरा आ जाओगे तो आप हमारे गांव पटपुरा में आसानी से आ जाओगे। और ये बताइए कि आपका कोई संपर्क नंबर है, कोई संपर्क वगैरह, जैसे कोई आपसे संपर्क करना चाहते। हाँ, संपर्क इंस्टाग्राम तो है, इंस्टाग्राम पे जैसे मैसेज कर सका था कोई, हाँ भी अगर किसी भी प्रकार की कछु भी बात करने कछु भी करने तो आप इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सका था हमें मैसेज द्वारा। तो भैया, सुनील देवराज से अगर आप संपर्क करवो चाहे तो इंस्टाग्राम की जो सुविधा है उसमें मैसेज की भी सुविधा दी गई, उतने पे आप लोग प्राइवेट में जाके अपना मैसेज शेयर कर सकते हो। तो जो भी आपको समस्या है, मिलवो चाहे तो जो भी बात करवो चाहे तो उतने से कर सकते हो। आप सुनील देवराज भाई, ये बताइए कि आपने कॉमेडी लाइन कैसे पकड़ी, आप कॉमेडी में कैसे आए? सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जो हमारा गांव है हाँ, जो कलाकार से भरो पड़ो है,
तो कहा है कि जब हम जन्म भाव तो हम आओ, हाँ हम हाँ जब वहीं से देखा था रहा कि हमारे गांव में कलाकारी कलाकार मतलब कोई कुछ, और गांव में तो ठीक है हमारे घर ही में हमारे पिताजी ढोलक बजाते हैं, अच्छा, तो अब वो तो कलाकारी, अब जब कलाकार के बीच में ले रहे हैं तो वो कलाकारी को थोड़ा सो अंश हमें भी हतो, तो उस हिसाब से अब बस जो ये 2016-17 की बात है, तो पहले जो बड़े मोबाइल नहीं चलाते, यूट्यूब नहीं हतो हाँ तो बस वही हिसाब से पहले ऐसी शॉर्ट वीडियो टाइप की बनाऊँ लगते, हाँ और अब हमने भी सोची कि हम भी कछु हट के करें, तो फिर उके बाद में फिर यूट्यूब आओ, फिर यूट्यूब हाँ समझने में 2-3 साल लगे, फिर उके अलावा फिर जो उको ज्ञान लो, यूट्यूब को ज्ञान लो, और फिर उके बाद में फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करो। आपको यूट्यूब के बारे में किसी ने बताया था कि ऐसे ही पता लग गया? नहीं, बताया था हमारे मित्र हैं, हाँ अपने भैया हैं रवि आर्टिस्ट, जिनके चैनल पे आप जो इंटरव्यू देख रहे हो, तो वे अपने जी कहाँ है अपने रवि भैया, तो उन्हीं से हमने जी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु कहाँ है, तो इन्हीं ने हमें बताया यूट्यूब के बारे में और इन्हीं ने हमें शिक्षा दी है। और आप, ये तो ठीक है कि आपको YouTube के बारे में कहां से पता लगा, कैसे, लेकिन आपने सबसे पहली कॉमेडी आपने किस चैनल पर, मतलब आपने निकाली थी? सबसे पहली कॉमेडी, सबसे पहली कॉमेडी भागीरथ आशिक नाम से चैनल है, हाँ जो कि अपने मित्र हैं बढ़िया, तो उन्हीं के चैनल पे, उन्हीं के नाम से बनो तो चैनल, वही चैनल पे अपनी पहली कॉमेडी निकाली थी। अच्छा, आपने पहली कॉमेडी निकाली थी। और ये बताइए कि जैसे आप कॉमेडी बनाते हो, तो इसमें जो लड़की आती हैं, लड़की वगैरह कहाँ से आती हैं? अब तो वे जो इंस्टाग्राम चल रहा है तो आप तो जानते ही हो कि उसमें बहुत सारी लड़कियां मतलब अपने शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा मतलब मैसेज करके, और जी हाँ भी जैसे वो पहली बात तो पहले भी बता चुके थे कि जी हम कॉमेडी बनाने हैं, तो एक बार संपर्क जरूर करें, तो वही हिसाब से भी संपर्क करे थे इंस्टाग्राम पर, तो उतई से मोरी, और फिर उसके बाद में छतरपुर, सागर, टीकमगढ़ और बहुत बहुत जगह लड़की लड़की हैं, तो कहीं से भी बुला लेते हैं। तो देवराज भाई, ये बताइए सबसे अहम सवाल, देखो आप कॉमेडी किस उद्देश्य से बनाते हैं? इस उद्देश्य हमारा कहने का मतलब है कि आप कॉमेडी बनाते किस लिए हैं? या आप बुंदेलखंड का नाम रोशन करने के लिए बनाते हैं, या फिर पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, या फिर मनोरंजन करने के लिए बनाते हैं? इसमें आपका अहम, मतलब मेन उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से आप बुंदेली कॉमेडी बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये को तो जो ही उद्देश्य है कि सबसे पहली बात तो जा है कि अपने बुंदेलखंड को नाम रोशन हो गए, और दूसरी बात जा है कि मतलब हर घर में एक शिक्षा टाइप की दे रहे हैं कि देखो ऐसो करवे से ऐसो होते है, तो एक जो भी हिस्सा है, और उसके बाद है फिर तो वैसो के बेरोजगार हैं, तुम्हें कछु पैसा पैसा न खिलाने भी जैसे। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आप बुंदेलखंड का नाम रोशन करने के लिए कॉमेडी बनाते हैं। हाँ तो ये बताइए कि आज से कुछ दिनों पहले आपने एक कॉमेडी निकाली थी बिल्कुल, जिसका टाइटल था भौजी को चूलो। तो आप भौजी के चूल्हे से किस प्रकार बुंदेलखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं? हाँ वो तो कहा है कि जब शुरुआती दौर हतो तो उस समय पे देखो टाइटल भी नहीं मिलते, और मतलब अब जो उतना दिमाग भी नहीं हतो तो अब जो जैसी समझ में आ गई वैसा वीडियो बनाता है, और बाकी एक बात जा है कि मतलब उसको टाइटल ही भाई थोड़ा सा गलत गलत लग रहा है, बाकी उनके वीडियो में अंदर जाकर देखो तो कुछ सीख भी खिलाना मिले। नहीं, हमारी समझ में ये नहीं आता कि भौजी के चूल्हे से लोग क्या सीखेंगे। नहीं तो अब देखो कहा है कि बस शुरुआती दौर है, उ वजह से उतना दिमाग नहीं हतो तो फिर उस हिसाब से बना उतरे हैं। एक और कॉमेडी आपने निकाली थी, गाने धरी लुगाई। किसकी लुगाई आपने गाने धर दी थी? नहीं किसी की नहीं, तो बहुत ही हिसाब से कि जो दारूखोर बहुत अत्यधिक मतलब अत्यंत दारूखोर था, हाँ अधिक से अधिक दारूखोर, तो मतलब वो घर की सारी चीजें जो कछु है सुबह सब बेच देते, और जब उनके लगा कछु नहीं मिला तो इतनी लत लगा थे दारू की कि वो अपनी घरवाली गाने धर देते। मतलब इसमें आपका मतलब ये है कि जो आपने कॉमेडी बनाई, ठीक है, इसका आपका यही मतलब है कि लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं सुनील देवराज भाई, कि जो मतलब जो नशा करता है या जुआ खेलता है वो गलत चीज है, उससे कैसे सुधरे, क्या यही संदेश आप देना हाँ चाहते हैं? यही है, और उसका मतलब ये है कि अगर इतनों आदमी बिलाए जात है तो
बहुत आगे जाके बहुत गलत परिणाम निकला थे, तो जो बताओ। अच्छा, ये संदेश देना चाहते हैं और भौजी की कुइया से क्या संदेश दे वो चाहता। अच्छा, एक वीडियो बनाया था आपने जिसका टाइटल था भौजी की कुइया, इससे क्या बस जो तो जो ही है कि मतलब गांव में ऐसा है कि मतलब एक जने की कहानी बता दे हम आपका कि एक ही जैसे गांव में जो कछु मतलब बोल वगैरह कछु नहीं है और एक जन को कुआ है। हाँ, तो मतलब बे रथ हैं बाहर और जो औरत है तो बा उसकी मतलब ऊपर से पानी नहीं भरन दे थे, तो मतलब बाकी गांव में सूखा पड़ो है तो उसकी मतलब जो कुइया है वही में है पानी कहाँ। अच्छा, केवल भौजी की कुइया में पानी कहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जैसे वो ऐसे में भली थोड़ा गलत लग रहा है। हाँ, लेकिन उसे भी जो ही है क्या मतलब जो उसमें अंदर अंदर देख अंदर देखो जैसे तुम्हें कुछ सीख ही मिले। एक और टाइटल था आपका भौजी दे दे आज उधार, तो आप भौजी से उधार क्या मांग रहे हैं। अब काफी समय होगा तो अभी उतना तो याद नहीं है। हमने आपको बताया कि लगभग 3 साल हो गई है। हाँ, जबकि वीडियो जी आप जो बता रहे हैं हमें। हाँ हाँ जी, जबकि वीडियो है तो देखो हम तो आपको इंटरव्यू पहली भी ले भी आए तो हम तो देखो जो भी ओखे ने गड़े मौजा ओखे ने शुरू से बात कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। तो बताएं आप ई प्रकार से मतलब ऐसे टाइटल देख रहे हैं दे रहे हैं। एक और है आपकी लुगाई की तलाश, क्या आपकी लुगाई गुम गई थी। नहीं, उसको मतलब जो है कि जो रड़ुगा आदमी है। हाँ, तो उसकी जो बाप मतारी है वो उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं, तो मतलब वो अपने लाने घरवाली ढूंढ रहा है। अच्छा, उसको मतलब जो है तो एक और खतरनाक टाइटल आपने बताया था भौजी की उखरी, तो भौजी की क्या उखरी, ये उखरी क्या है। नहीं, हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे उन लोगों ने वीडियो जितने भी जोड़े हैं आज आपके सब्सक्राइबर अभी हाल फिलहाल में कितने हो चुके हैं। अभी 2,10,000। तो जो 2,10,000 आपके सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने जो भौजी की उखरी बनाई थी ये भौजी, देखिए कई लोग तो समझ गए होंगे जो समंदार हैं, लेकिन जो समंदार नहीं है जो मतलब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भौजी की उखरी क्या है। हाँ, उखरी को मतलब जो है कि जो ओखली कहा ना घर में रथ है। अच्छा, एक मूसर रथ है उखरी। अच्छा, उखरी टाइप। अच्छा, उस उखरी की बारे में। हाँ, बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात है। अच्छा, तो देखो जी सुनील देवराज हैं, ऐसी बात नहीं कि ने है मतलब अपने चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो दिखाई हूँ। ई के बाद सुनील देवराज भैया ने एक CH टाइप की और ले आए थे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी कहानी निकाली थी जिसके कितने भाग आपने अपलोड किए थे। 2 ही किए थे बस 2 ही। दो ही किए थे और अभी फिलहाल में अभी शादियों के सीजन चल रहे हैं तो ऐसे में लोग और आपके नेक्स्ट भाग जानना चाहते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको इसके और भाग बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर सब जन की इच्छा रहे कमेंट आए। हाँ, आप कमेंट में बताइए कि और भाग जाने तो और भी आगे बना है। अच्छा देवराज भाई, ये तो ठीक है, आप ये बताइए कि हमारे जैसे आप किस धर्म से हैं। हम हिंदू धर्म से। तो हिंदू धर्म में आपको पता होगा कि जो हमारी जैसे भाभी है, भाभी को हमारे हिंदू धर्म में माँ के समान का दर्जा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आज कल बुंदेली कॉमेडी आपसे ही मतलब नहीं है, जितने भी बुंदेली कॉमेडी बना रहे हैं वो केवल भाभी को गलत तरीके से देख रहे हैं कि कहीं मतलब भौजी की कहीं भौजी के साथ सेटिंग कहीं कुछ मतलब ऐसी चीजें लोग बना रहे हैं, तो इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचा है आप लोगों ने बनाने से पहले कभी। नहीं अब वो तो है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ऐसे वीडियो नहीं बना उठे। वो तो हम जानते हैं कि इसे समाज की लाने गलत प्रभाव पड़े, लेकिन देखो जो कुछ भी बनो है तो अब बाकी की हैं रोकवे एक जा भी एक आध दो होते तो अपन वहाँ रोक सकते। अब बाकी सब जगह कछु जो ही चल रहा है कुकुलाने का कर सका चल तो नहीं रहा भैया, लेकिन देखो ऐसा है कि ऐसी चीज़ें नहीं बनाना चाहिए। क्या है कि समाज पर इसका गलत असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमने या आपने कॉमेडी बनाई भौजी के साथ सेटिंग, ठीक है, तो आपका वीडियो जिसने देखा उसको यही लगेगा कि भौजी के साथ सेटिंग करना मतलब संभव है, मतलब ऐसा होता होगा,
तो वो भी उस चीज में लग जाएगा। तो मतलब इससे क्या होता है कि जो सामने वाला देखता है उसके ऊपर बिल्कुल गलत असर पड़ता है, और मतलब वो जो चीज करना नहीं चाहता उस बारे में भी मतलब लोग सोचने लगते हैं। कितने सहमत हैं आप मेरी बात से? नहीं, हम पूर्ण सहमत हैं, और लेकिन नहीं करना चाहिए लोगों को। जैसे और भी आपने कई वीडियो बनाए, कई वीडियो बहुत अच्छे सुनील देवराज ने वीडियो बनाए कि मतलब आपको सीख मिलती है उस वीडियो से देखने से। अभी फिलहाल में देखिए सुनील देवराज ने जितने भी जैसे ऐसे टाइटल बताए वो शुरुआती में जब चैनल ग्रो नहीं कर रहा था उस समय बनाए थे लगभग। हाँ, उस समय मतलब बनाने का उतना अनुभव नहीं होगा आप? नहीं, उस समय पे 100-200-300 व्यूज आउट थी। हाँ, तो कहा है कि उस वजह से अगर चैनल से थोड़ी जल्दी भी जैसे उठ जाए तरह जो भी को मकसद है, तो पहली बात उतना ज्ञान नहीं है। तो अच्छा ये बताइए कि सुनने में आया है कि जो आपके साथ लेडीज काम करने के लिए आती हैं, तो कई लोग ऐसे हैं शायद आपसे जलने वाले ही होंगे जो ऐसी बात करते हैं कि जो लेडीजें आती हैं उनके साथ आप गलत करते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो ऐसा है कि जो भी लड़की आउत है तो वहाँ अपने बहन के समान मानत हैं, उसमें जो कछु नहीं है कि किसी के साथ में कौन गलत व्यवहार कर। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो एक ही बात है कि जलने वालों के ऊपर घी डालो और बोलो स्वाहा। देखो देवराज भाई, आप वीडियो तो देखो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन कुछ गलत टाइटल हो जाते हैं तो क्या आप आगे भी इस प्रकार से गलत टाइटल बनाना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो हम आपका पहले भी बता चुके हैं कि उमें एक बार देखो और उके मतलब थोड़ा मोड़ो हो ही जाते हैं। ऐसा कहा है कि जैसे अगर कोनो वीडियो है तो अगर वहाँ अब देखने आओ वही हिसाब से। तो देखो भैया, अभी हाल में तो जितने भी सवाल हमने सुनील देवराज से किए हैं वो सब मतलब मनोरंजन के लिए ही कर रहे थे, लेकिन देखो जो कॉमेडी है, कॉमेडी का मतलब ही होता है लोगों को हंसाना। कॉमेडी में ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन हाँ ऐसी चीज एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, सुनील देवराज से भी कहना चाहेंगे और जितने भी कॉमेडी बनाते हैं उन सभी से कहना चाहेंगे कि मतलब कॉमेडी को बनाओ, रिश्तों की जो मान मर्यादा है इस प्रकार से बनाओ कि मतलब ऐसा हो कि जितने भी लोग वीडियो देखें तो उसमें किसी के ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या इस चीज़ से सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आप जब कॉमेडी बनाते हो तो इसके लिए जो आप लड़कियां हों कभी घर पर भी लाते होंगे, लड़कियों के साथ वीडियो बनाते हैं, कभी लड़कियाँ जो लेट हो जाती हैं तो मतलब उन्हें घर पर भी रोकना पड़ता होगा, तो इस बात को लेकर आपके घर वाले या गांव वाले आपसे कुछ कहते तो नहीं है? नहीं, अब देखो अब कहे भाई तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अब का बताएं, वो तो जो है सो अब जैसे लेट हो जाते तो देखो अपन अकेला तो छोड़ नहीं सकता है, अपनी जिम्मेदारी पे आती हैं। तो अब उसके बाद में बाकी अपने घर है, अपने मम्मी पापा हैं, सब जन के साथ ही में तो रहना है, कोनू में कछु गलत तो वैसे भी नहीं है। शादी हो गई आपकी? हाँ शादी तो हो गई। ये जितने आपने कम से कम कितनी लड़कियों के साथ मतलब कॉमेडी में अभी तक काम कर लिया होगा? लगभग 50-60 लड़कियों के साथ में। 50-60 में से? अच्छा देवराज भाई, आपकी मतलब एक गुप्त बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने कम से कम 50-60 लेडीजों के साथ काम किया, तो किसी के साथ क्या आपने सेटिंग वगैरह या किसी के साथ आपके अवैध संबंध तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम आपका पहले ही बता चुके हैं कि शादी हो गई है, बाकी सब ई लपड़न में नहीं पढ़ाते हैं, और बाकी हमारा काम कॉमेडी तक सीमित रहता है। तो बस शाम के लड़की आई तो शाम के उनको पेमेंट करो, बाकी बस ना हम उन्हें चीनत ना भी हमें चीनत। जो आपके साथ काम करने वाली लड़कियाँ आती हैं वो आप उनके लिए आप कितना पेमेंट पे करते हो? अब पेमेंट की तो ऐसी बात है कि जिस हिसाब से जैसी लड़की जितना काम करत है जी में जितना टैलेंट है तो उनके टैलेंट के हिसाब से देते हैं पैसा, उसमें जो मतलब नहीं है कि मतलब फिक्स नहीं है कछु रेट फिक्स नहीं है। यूट्यूब से आप मंथली कितना कमा लेते हैं? बस खर्चा पानी कराता हूँ थे जो ही है कि आओ मतलब जो कछु ही एक किसान आदमी जितना कमा लेते हैं जैसे अपने वो भी जैसे अपने हिसाब से अपने पिसिया रख लेते हैं वही हिसाब से अपन भी अपनों को जारो करते हैं।
मतलब ई हिसाब से आपको पेमेंट बन जाता लगभग 100 पूरा के हिसाब से महीना को? नहीं इतना तो नहीं बनाते, जो कसू नहीं है। चलिए, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गई सुनील देवराज से, अभी उन्हें शूटिंग के लिए भी निकलना है। तो देखिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद समाप्त करते हैं। सुनील देवराज भाई, बिल्कुल, आप हमारे चैनल बुंदेली महिमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम वही तो केवल चाहते, चलो जो ही कह रही है कि बंद करो है। हाँ हाँ, तो भैया सब जैसे बिना निवेदन है कि भैया अबे तो आज तो हम तो एक छोटी सी कलाकार हैं, आज तो हमारा इंटरव्यू हुआ है। अब देखो बड़े बड़े कलाकारों के इंटरव्यू डले हैं बुंदेली महिमा चैनल पर, तो भैया सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगर जैसे भैया और कछु भी पूछो चाहत हो गए तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट में, और किस किस के इंटरव्यू चाहना है तो वो भी आप बता सकते हो, और जो कछु भी समस्या है तो बाप आप बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए भैया, अपना जो चैनल है बुंदेली महिमा, हमारा मतलब है कि आपका टैलेंट लोगों को दिखाना। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप अपना टैलेंट कहीं पर शो नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे पास आकर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आप हमसे संपर्क करिए, आपका टैलेंट या आपको कोई समस्या है कोई भी किसी भी प्रकार की, आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए हमारे यूट्यूब बुंदेली महिमा के हिसाब से आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और जो भी आपकी समस्या है, चाहे फिर वो आपकी चैनल से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर प्रकार की समस्या का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जा तो सही बात है कि अगर YouTube से जुड़ी कोनो भी समस्या आ जाए आपके लाने, तो आप संपर्क कर सका तो बुंदेली महिमा से, और थोड़ो आप अपना नंबर बता दो भैया। नंबर की तो देखो ऐसी है कि सोशल मीडिया पर अगर नंबर शो कर दें तो फोन ही फोन ना उठाते हैं, और वीडियो की देखो शूटिंग चला था, सो नंबर वैसे ही बंद है। आप इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे रवि आर्टिस्ट पटपुरा लिख कर सर्च कर सकते हैं, या मिस्टर साइंस लवर लिख कर सर्च कर सकते, दो में से कछु भी लिख दो, आपको हमारी आईडी मिल जाए है। बिल्कुल, उतर से जाके आप मैसेज कर सकते, आप मैसेज के द्वारा इनसे बात कर सकते हो, और फ़ोन नंबर लेकर हो, जो कछु भी समस्या है वो समस्या बता सकते हो, आपकी जितनी भी समस्या हैं सबको सॉल्यूशन हो जाए। और उसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम सुनील देवराज से जुड़े तो डायरेक्ट सुनील देवराज से भी संपर्क कर सकते। बिल्कुल, तो भैया वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर, जब तक के लिए जय सियाराम, जय बुंदेलखंड, जय भारत, जय भारत माता।